कोरोना महामारी से नागरिकों को बचाने के लिए पुलिस दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रही है। इस समय कई पुलिस वालों को कोरोना हुआ और कई पुलिस वालों को अपने जान से हाथ भी धोना पड़ा है। इस कोरोना महामारी से पुलिस और उसके परिजनों की सुरक्षा हेतु हिंगनघाट के उपविभागीय पुलिस अधीक्षक दिनेश कदम के प्रयासों से शहर के महाड़ा क्वार्टर संकुल में पुलिस और उनके परिजनों के कोरोना उपचार के लिए जिले में पहली बार कोविड सतर्कता केंद्र का निर्माण किया गया है। इस कोविड सतर्कता केंद्र का उद्घाटन आज जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर के हाथों किया गया। इससे पहले मुंबई स्थित अभिनेत्री डायना पिंटू ने हिंगनघाट डिवीजन के पुलिस की कोरोना रक्षा के लिए मुंबई से मास्क शील्ड और सैनिटाइजर भेज इंसानियत का परिचय देकर इस नेक काम में अपना सहयोग दिया। इस कोविड सतर्कता केंद्र में हिंगनघाट, वन्नीर, समुद्रपुर, गिरड़ पुलिस स्टेशनों में सभी कर्मचारी और उनके परिवारों के इलाज का कोविड 19 के संक्रमण का इलाज होने वाला है। 21 अप्रैल को कोविड 19 सतर्कता केंद्रों का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर इनके हाथों किया गया। इस समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यशवंत सोलंकी, उप विभागीय अधिकारी चंद्रभानजी खंडाइत, नगर परिषद मुख्य अधिकारी अनिल जगताप, उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम, थानेदार संपन्न चौहान, गिरड़ पुलिस स्टेशन के थानेदार सुनील दहीबाते, वन्नीर पुलिस स्टेशन के थानेदार राजेंद्र शेट्टे, समुद्रपुर के थानेदार हेमंत चांदेवार, DYSP ऑफिस के पुलिस कर्मचारी PSI रामटेके, पुलिस नायक पुलिस चेतन पिसे, अश्विन सुखदेवे, प्रेमदेव सराटे, दीपक वानखेड़े, अनंता हराय, महिला PSI गायकवाड़, महिला पुलिस कर्मचारी उमा कचोटे और पुलिस के कर्मचारी उपस्थित थे। इस उद्घाटन के समय जिले में पहली बार पुलिस के लिए बने कोविड सतर्कता केंद्र के लिए जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर ने हिंगनघाट के उपविभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम और उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाइत की इस काम के लिए सराहना की। आज रोजी हिंगनघाट येथे माडा कॉलनी येथे पुलिस विभागातील अंमलदार अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी म्हणून एक आपण सेंटर सुरू केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये यांना होम क्वारंटाईन होण्याऐवजी इथं चांगल्या प्रकारचे बेड्स अवेलेबल करून दिलेले आहेत। तसेच त्यांची जेवण्याची सोय आणि काही प्रमाणात ऑक्सिजन जर लागलं एका दुसऱ्या पेशंटला तर एक प्रिलिमिनरी लेवलला त्यांना ऑक्सिजनची प्रोव्हाइड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की ऑक्सिजन बेड मिळणं हे सध्याच्या काळात अवघड झालेलं आहे, त्याच्यामुळे एक फर्स्ट एड टाईपमध्ये आपण इथं त्यांना देऊन जसं बेड अवेलेबल होईल त्याप्रमाणे त्यांना शिफ्ट करण्यात येईल। हा खूप उत्तम उपक्रम आपल्या जिल्ह्यामध्ये इथे सुरू झालेला आहे, त्याच्यामध्ये मी SDPO कदम साहेब आणि SDM खंडाईत साहेब या दोघांनाही शुभेच्छा देऊ इच्छितो की त्यांनी हे खूप चांगल्या प्रकारचं एक पथदर्शी कार्यक्रम सुरू केलेला आहे। या उपक्रमासाठी त्यांना आमच्या सर्वांतर्फे शुभेच्छा। अब यह कोविड सतर्कता केंद्र पुलिस और उसके परिजनों के इलाज के लिए निर्माण होने से हिंगनघाट डिवीजन के पुलिस कर्मियों का काम करने उत्साह यकीनन बढ़ने वाला है। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।